नमस्कार जी, मेरा नाम है मीनू। बताने जा रही हूँ, नौकरी में प्रमोशन और अच्छा एग्रीमेंट चाहिए तो 14 जनवरी को करें ये उपाय। यदि आप पूरी ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, सभी लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बॉस या कंपनी की ओर से कोई सकारात्मक फल नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ बताए जा रहे उपाय मकर संक्रांति पर करें। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को है। इन उपायों से कुंडली के दोष दूर हो सकते हैं और नौकरी में आ रही बाधाएं दूर हो सकती हैं। जानिए ये उपाय कौन कौन से हैं। सुबह जल्दी उठें और स्नान के बाद तांबे के एक लोटे में शुद्ध जल भरें और उसमें साबुत लाल मिर्च के दाने डालें। इसके बाद ये जल सूर्य को चढ़ाएं, साथ ही सूर्य मंत्र का जप करें। सात प्रकार के अनाज लें, जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल, चना और साबुत मूंग। इन सभी को एक साथ मिलाकर बच्चे को खिलाएं। जब भी नौकरी के लिए घर से निकले तो सीधा पैर पहले बाहर रखें। और यदि संभव हो सके तो रास्ते में गाय दिखे तो उसे हरी घास खिलाएं। नहाने के पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करें। इस उपाय से शनि से जुड़े दोष दूर हो जाएंगे और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर हो जाएंगी। घर में जब भी रोटी बने तो सबसे पहले रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को अवश्य खिलाएं। इस उपाय से जीवन की सभी नकारात्मक बातें दूर हो सकती हैं। धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।